वेलकम टू इसलरेडीटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग नॉम इंटलेचर एंड टूडे वी विल स्टार्ट अर क्लास विद टेक्सोनोमिकल कैटेगरी सो इफ यू हैवन वॉच द वीडियोज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉम इंटलेचर प्लीज गो एंड वॉच इट द लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में हमारे पास सेवन ऑब्लीगेट कैटेगरीज होती हैं वो होती हैं किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज ठीक है जो हमारा किंगडम है ये हमारा हाईएस्ट कैटेगरी है और जो स्पीशीज़ हैं ये एक्चुअली में एक्जिस्ट करती हैं जो स्पीशीज़ होती हैं ये स्पेसिफिक होती हैं जैसे हमारे पास कोई शू रैक है तो इसमें हम सिर्फ शूज़ रखेंगे तो ये स्पेसिफिक हो गई ठीक है यहाँ पर हमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते हैं अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी हमें होमोसेपियंस में ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी अगर हम किंगडम पर जाकर देखते हैं तो हमें कॉकरोच में और ह्यूमन में इतनी सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी ठीक है इसमें हमें यहाँ पर स्पीशीज़ में हमें सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलती है और किंगडम में हमारे पास अनकॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर हम डाउन द ग्रुप अगर आते हैं तो जनरल कैरेक्टर्स जो हमारे हैं ये डिक्रीज करते हैं जनरल कैरेक्टर्स डिक्रीज करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा अनकॉम यहाँ पर अनकॉमन कैरेक्टर्स होते हैं किंगडम में और स्पीशीज़ में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं इसे एक बार याद रख लेना कि मैक्सिमम कॉमन फीचर्स हमारे सबसे ज्यादा स्पीशीज़ में होते हैं और मैक्सिमम अनकॉमन फीचर्स जो होते हैं वो किंगडम में होते हैं देखो जो स्पीशीज़ होती हैं ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं जो एक्चुअल में जिसका एग्जिस्टेंस हो रहा है वो स्पीशीज़ है ठीक है ना लेट्स सी व्हाट इज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्ंस्ट मायर इन्होंने कहा कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियली और एक्चुअली इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सर्च ग्रुप्स ठीक है तो इन्होंने कहा कि कोई दो इंडिविजअल्स हैं वो अगर आपस में इंटरग्रीड करते हैं और उसके बाद दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ कोई भी दो जो इंडिविजुअल्स हैं जब ये इंटरब्रीड कर रहे हैं कोई दो इंडिविजुअल्स हैं जब ये इंटरब्रीड कर रहे हैं तो इनका जो ऑफस्ट्रिंग है ये फर्टाइल होगा सही है अगर ये फर्टाइल है तो ये सेम स्पीशीज के हैं और अगर दो इंडिविजुअल्स uh, हैं ये अगर इंटरब्रीड uh, कर रहे हैं और इन्होंने इनफर्टाइल ऑफ स्ट्रिंग बनाए या फिर इंटरब्रीड कर ही नहीं पाए तो मतलब ये क्या है ये डिफरेंट स्पीशीज के हैं सही अगर दो इंडिविजुअल सबने लिए या तो ये आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और इनफर्टाइल ऑफ स्ट्रिंग बना रहे हैं ठीक है और या तो फिर ये क्रॉस कर ही नहीं पा रहे हैं तो ये डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो इनका जो कॉन्सेप्ट था ये वाला बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज ये मेनली बेस्ड था रिप्रोडक्टिवली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है इन एबिलिटी टू ब्रीड लेट सी वॉट आर एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक स्पीशीज तो एलोपैट्रिक स्पीशीज जो हैं ये हमारी जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से बनती है एलोपैट्रिक स्पीशीज आर सेपरेटेड बाई जियोग्राफिकल बैरियर्स ठीक है मान लो कोई एक स्पीशीज थी ए अब क्या हुआ यहाँ पर बीच में नदी आ गई एक बाढ़ बाढ़ आई तो बीच में एक नदी आ गई तो ये पूरा बड़ा सा था बीच से नदी चली गई ठीक तो अब ये डिफरेंट हो गए ठीक है ये भी डिफरेंट हो गए अब जब ये डिफरेंट है तो इनको हम ए नहीं बोलेंगे ये ए है और ये बी हो गए तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट एलोपैट्रिक स्पीशीज अब सिम्पेट्रिक में क्या होता है यहां पर कोई जोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है तो ये होती है स्पीशीज विच डू नॉट रिप्रोड्यूस इवेंचुअली फॉर्म्स सिम्पेट्रिक स्पीशीज एरिया सेम है एरिया सेम है आपस में इन्होंने ग्रुप्स बना लिए ये बी हो गए और ये ए हो गए ये हो गए सिम्पेट्रिक ठीक है तो ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे एरिया सेम है अब यहां पे तो को बीच में नदी आ गई थी तो ये एरिया अलग हो गया ये एरिया अलग हो गया यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया बीच में नदी आ गई यहां पे कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं है ये आपस में अलग हो गए इन्होंने ग्रुप्स बना लिया है सेम ज्योग्राफिकल एरिया है और ये दोनों लेकिन आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करें अब जब ये रिप्रोड्यूस नहीं करें तो ये सिम्पैट्रिक स्पीशीज हो गए सी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल जो इस चैप्टर में है इसमें मस्किडे पे एक नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन पे क्वेश्चन आया था ये था नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्रीट का क्वेश्चन ठीक है कि मस्किडे जो फैमिली है ये किसको बिलोंग करती है कुछ ऑप्शन दिए थे कॉकरोच हाउस फ्लाई फायरफ्लाई ये सब दिया था तो अगर पता होता आप पता होगा कि आ, इसका आंसर हाउस फ्लाई है तो ये सही हो जाता बड़ा आसान सा क्वेश्चन था तो देखो इसको याद कर लेना बहुत अच्छे से याद करना कई बार स्क्रिबल करना इसको कई बार लिखना कई बार देखना याद हो जाएगी ईजी सी है ठीक है मैन का होमोसेपियंस होमो जीनस स्पीशीज इज सेपियंस ठीक है देन जीनस इज होमो ये भी हो चुका फैमिली होमिनेडे है ऑर्डर इज प्राइमेटा क्लास इज मैमलिया फाइलम इज कॉर्डेटा हाउसलाई का मस्का डोमेस्टिका मस्का जीनस डोमेस्टिका स्पीशीज मस्का जीनस मस्की फैमिली ये आया था नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में क्वेश्चन ऑर्डर डिप्टेरा है क्लास इंसेक्टा है आर्थोपोटाफाइलो में फिर मैंगो मैंगो का मैंगी फेरा इंडिका, जीनस स्पीशीज जीनस देन फैमिली एनाकारसी ऑर्डर सैपिडेल्स क्लास इज डाइकॉर्ट लिडनी एंड देन एनजीओसपोमी फिर कॉमन नेम है वीट वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम जीनस स्पीशीज जीनस फैमिली पोएसी ऑर्डर पोएल्स मोनोकॉर्ड लिडनी क्लास एंड देन एनजीओसपोमी डिविजन देखो हमारे पास कुछ वो होते हैं जो ऑर्डर होते हैं इनका सफिक्स जो होता है एलगी में प्लांट्स में फंजाई में इनमें होता है एल्स लगाते हैं सफिक्स जो बाद में लगाते हैं ठीक है और जो फैमिली होती है इसमें जो सफिक्स होता है ये ए -E लगाते हैं एनिमल्स में और ए सी लगाते हैं प्लांट्स में ठीक है देखो ए ई एनिमल्स में प्लांट्स में ए सी ए सी ठीक है तो इससे आपको ये याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी जैसे सोलेनेसी ए सी लिली ए पो ए सी ठीक है तो ए सी आ रहा है फैमिली में फिर ऐसी एई होमिनी मस्की डी ठीक है फिर पोएल्स ऑर्डर इस तरह करके ये याद हो जाएगा सही है जीनस क्या होता है जीनस देखो ग्रुप ऑफ स्पीशीज जीनस है फिर ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली है ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर है ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास है ग्रुप ग्रुप ऑफ क्लास फाइल में इस तरह करके तो जो एग्जिस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है स्पीशीज है मान लो कोई डब्बा है उसके अंदर सिर्फ स्पीशीज एक रख दी फिर उसके अंदर एक डब्बा फिर उसके बाद एक और डब्बा फिर एक और डब्बा एक और डब्बा ऐसे करके डब्बे पे डब्बा डब्बे पे डब्बा डब्ब, डब्बे पे डब्बा डब्ब, क्या होगा ये सारे ये होंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज होंगी और जो एक्चुअली अंदर है वो है स्पीशीज है तो जीनस देखो ये दो तरह का होता है एक होता है मोनोटिपिक जीनस और एक होता है पॉलीटेपिक जीनस मोनोटिपिक जीनस क्या होता है कोई भी जीनस है विद सिंगल स्पीशीज ठीक है एग्जांपल है इसका होमो होमो के पास सिर्फ एक स्पीशीज है वो क्या है सेपियंस है तो ये कैसा हो गया होमो क्या हो गया ये हो गया मोनोटिपिक जीनस अब पॉलिटिपिक जीनस देखो क्या होता है पॉलिटेपिक जीनस में होता है कि एक जीनस है इसके पास मोर देन वन स्पीशीज है इसका एग्जांपल हो गया जैसे सोलेनम ठीक है पैंथेरा इनके पास देखो पैंथेरा लियो पैथेरा टिग्रिस पैथरा पार्डस सोलेनम में सोलेनम ट्यूब्रोसम सोलेनम मेलेंजिना सोलिनम नाइग्रम तो इसके पास कई सारी स्पीशीज हैं इसके पास भी कई सारी स्पीशीज हैं तो ये एग्जांपल हो गया पॉलीटिपिक जीनस का जीनस जिसके पास एक से ज्यादा स्पीशीज हैं और मोनोटिपिक जीनस एक जीनस जिसके पास एक ही स्पीशीज है जैसे होमोसेपियस तो प्लांट फैमिलीज जैसे कॉनवॉलविलेसी सोलेनेसी इनका ऑर्डर जो है ये है पॉलीमोनियज और ये बेसिस इनकी है बेसिस क्या है फ्लोरल कैरेक्टर्स ठीक है फिर उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है कि प्राइमेटा और कार्निवोरा जो है ये हमारे किस क्लास में आते हैं मैमेलिया क्लास में आते हैं मैमेलिया क्लास में मैमेलिया क्लास है इसके अंदर हमारे क्या आते हैं प्राइमेटा एंड कार्निवोरा अब देखो टैक्सॉन क्या होता है टैक्सॉन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट एनी हेरारकी लेवल किसी भी हैरारकी पे हम किसी जो ग्रुप होता है उसको हम टैक्सॉन बोल सकते हैं नीचे आते आते जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाएंगे है ना और जब हम ऊपर जाएंगे तो जैसे एनिमल्स में बात करें तो वहां पर बहुत सारे होंगे ठीक है पर अगर हम बात करें सेपियंस की तो अगर हमने सेपियंस बोल दिया तो हम यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक हो गए तो ये जो ग्रुप है दिस इज नथिंग बट टैक्सॉन ठीक है और यहां पर साइज वेरी करता है हम उसको हर ग्रुप को टैक्सॉन बोल सकते हैं किसी भी किसी भी हरार की पे हम टेक्सॉन यूज कर सकते हैं बट द थिंग इज कि ग्रुप जो है ये हमारे इनका साइज वेरी करता है ठीक है नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेक्सोनॉमिकल एड्स यहां पर एड्स मतलब है हेल्प करना ठीक है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जोलॉजिकल पार्क्स बोटानिकल गार्डनस कीज हर्बेरियम फ्लोरा मोनोग्राफ कैटलॉग्स म्यूजियम एंड मैनज तो लेट्स स्टार्ट विद हर्बेरियम लेट्स स्टार्ट विद हर्बेरियम तो हर्बेरियम क्या होता है ये डेड प्लांट्स के लिए होता है डेड और प्लांट्स ठीक है फिर ये क्या होता है ये स्टोर हाउस या फिर रिपोजिटरी है किसका कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का उसको हम क्या करते हैं सबसे पहले ड्राई करते हैं फिर प्रेस करते हैं और फिर प्रिजर्व करते हैं ठीक है तो पहले ड्राई देन प्रेस एंड देन प्रिजर्व प्रिजर्व क्या होता है ये डेड चीजों को करते हैं ठीक है और कंजर्व एक वर्ड होता है कंजर्व आगे आएगा तो कंजर्व क्या करते हैं वो लिविंग चीजों के लिए होता है और ये जो डेड चीज़ों के लिए होता है वो होता है प्रिजर्व प्रिजर्व करते हैं डेड चीजों को इनको बचा रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये जो हर्बेरियम है ये क्विक रेफरेंस सिस्टम होता है तो इससे हमें क्या पता चल जाती है मॉर्फोलॉजी पता चल जाती है ठीक है फिर साइज ऑफ शीट क्या होता है सिक्सटीन पॉइंट फाइव इंटू एलेवन पॉइंट फाइव इंच या फिर अगर हम उसमें बात करते हैं सेंटीमीटर में बात करते हैं तो ट्वेंटी नाइन टू फोर्टी वन या फोर्टी फोर्टी वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर होती है तो बात करते हैं इसकी स्टेप्स की तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कलेक्ट करना सबसे पहले कलेक्ट करते हैं हम तो जब हम कलेक्शन कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो उसमें कोई डिजीज ना हो वो एकदम साफ हो बढ़िया सा हो ठीक है और उसमें मैक्सिमम जो प्लांट के पार्ट्स हो वो जैसे जैसे फ्लावर हो गया लीफ हो गया सीड हो गया ये सब आ पाए फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है उसको हमें ड्राई करना है तो उसे हम कोई न्यूज़पेपर में रख देंगे फिर न्यूज़पेपर में रैप करने के बाद बाद में हम उसे चेंज करते रहेंगे जिसमें कि वो डार्क ना हो जाए फिर थर्ड स्टेप क्या होता है उसमें हम एच डालते हैं एच जी सी एल टू इज़ मर्कुर क्लोराइड इसका पॉइंट वन परसेंट हम डालते हैं ये एक्ट करता है की तरह, तो हमने यहाँ पर स्टरलाइजेशन भी कर लिया है फिर उसके बाद अगला स्टेप जो होता है ये होता है माउंटिंग करना मतलब हर्बेरियम शीट पे रख देना तो दैट इज माउंटिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टिच कर देंगे हम यहाँ पे ग्लू नहीं यूज करते स्टिचिंग करते हैं ठीक है ग्लू अवॉइड करेंगे फिर सिक्स स्टेप जो लेबल है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्योंकि उसमें नेम वगैरह आता है तो क्या क्या आता है वो देख लेते हैं अब नाउ लेट्स सी सिक्स स्टेप इज लेबल लेबल क्या होता है मान लो ये हरबेरियम शीट है तो इसके लोअर राइट कॉर्नर में यहाँ पर लगेगी लेबल ठीक है उसका भी एक फिक्स साइज होता है कि वो उतनी बड़ी होनी चाहिए लेबल के अंदर सात चीजें आती हैं हमारी क्या क्या आता है सबसे पहले आएगा नेम ऑफ कलेक्टर नेम ऑफ कलेक्टर आएगा ठीक है फिर उसके बाद आएगा प्लेस ऑफ कलेक्शन कलेक्शन फिर अगला आएगा डेट फिर आएगा डेट ऑफ कलेक्शन ठीक है जब ये तीनों आ गया तो उसके बाद आएगा नाम आएंगे ठीक है कैसे कैसे नाम आएंगे तीन तरह के नाम आएंगे देखो बोटेनिकल नेम इंग्लिश नेम और कॉमन नेम आएगा फैमिली का नाम ठीक है तीन तरह के नाम आ गए और उसके बाद आ गया फैमिली का नाम तो ये सात चीजें लेबल के अंदर रहती हैं फिर उसके बाद लेबल के बाद हमारा सेवेंथ स्टेप होता है डिपोजिशन करना इस तरह करके हर्बेरियम कंप्लीट हो गया हर्बेरियम में एक और इंपॉर्टेंट चीज बच रही है कि जो रॉयल बोटानिकल गार्डन है ये कीव लंडन में सिचुएटेड और ये लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन है ओके ओके नेक्स्ट म्यूजियम 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 क्या होता है यहाँ पर हम डेड प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्व करते हैं हम किस चीज को जो डेड होती है ठीक है तो दिस इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्वड प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इसको हम तीन तरह से कर सकते हैं यहां पर जो प्रिजर्वेशन करते हैं हम इसका तीन तरह से कर सकते हैं सबसे पहला कि हम कोई कंटेनर ले लें ले या फिर कोई जार ले लें इसमें हम फॉर्मिन सोल्यूशन होता है प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है इसको डालकर इसको रखते हैं मान लो एक जार हो क्या इसके अंदर जैसे लैब में आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में कि फ्रॉग्स वगैरह रहते थे तो जो सल्यूशन होता था मान लो एक फ्रॉग है ओके okay, जैसे भी हो ठीक है ये एक फ्रॉग है तो यहाँ पर जो सल्यूशन है ये क्या है फॉर्मेलिन है फॉर्मेलिन एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है जिसमें हम रखते हैं ये हो गया हमारा पहला तरीका रखने का फिर सेकेंड इज एनिमल्स में हम क्या करते हैं बड़े बड़े एनिमल्स में हम उनका डिसेक्शन करके फिर कॉटन से उसमें स्टफिंग कर देते हैं फिर थर्ड होता है एक और तरीका इंसेक्ट्स में हम कैसे करते हैं उनको किल करते हैं और फिर उनकी पिनिंग कर देते हैं ठीक है जैसे बटरफ्लाइज़ वगैरह का देखा होगा कि बटरफ्लाइज़ को ऐसे ही रखते हैं ठीक है तो ये यह हमारे यहाँ पर म्यूज़ियम हो गया तो और नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल एडीज बोटानिकल गार्डन बोटानिकल गार्डन में हम क्या करते हैं कोई भी हमें मान लो प्लांट है उसको हम उसकी जगह चेंज कर दी हमने कि चलो भाई इसको तो हम अपने पास ग्रो करना है ये हमें अपने पास रखना है प्लांट तो हमने उसको उसकी मेन साइड से एग्जिट करा लिया और लाकर अपने पास ग्रो कर लिया तो उस प्लांट में क्या हुआ उसका एक्स सीटू कंजर्वेशन हमने किया एग्जिट करा लिया उसकी मेन साइड को और उसे हमने कंजर्व कर लिया कंजर्वेशन मतलब लिविंग को बचाना ठीक है लिविंग को प्रोटेक्ट करना जैसे प्रिजर्वेशन था हम डेड को बचा रहे थे वैसे कंजर्वेशन होता है लिविंग को बचाना यहाँ पर जो इसकी लेवल होती है इसमें दो चीजें रखते हैं साइंटिफिक नेम और फैमिली इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ एनबीआरआई लखनऊ में है एनबीआरआई इज नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लिख लेते हैं नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है ये लखनऊ में अपना और इंडियन बोटानिकल गार्डन हावडा में द नेक्स्ट जुलॉजिकल पार्क जुलॉजिकल पार्कस में भी हम क्या करते हैं एक्सी टू कंजर्वेशन करते हैं एक्स एक्सिटू कंजर्वेशन कैसे है देखो जैसे जू आप लोग गए होंगे तो जू में क्या होता है वहां पे uh, उनका मेन हैबिटाट तो नहीं होता ना एनिमल्स का जू उसको हम लेकर आते हैं फॉरेस्ट वगैरह से तो इसका एग्जिट करा लिया मेन साइड को कंजर्व करने के लिए ठीक है कंजर्व कर रहे हैं हम लिविंग का फॉर प्रोटेक्शन और यहाँ पर हम क्या करते हैं इनको सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और इन्हें प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट देते हैं इससे हमें क्या पता चलता है इनके फूड हैबिटाट्स का इनके बिहेवियर का हमें पता चलता है Okay, now next is taxonomical keys, which is a type of taxonomical aid. Taxonomical aid है मतलब ये help कर रहा है aid है ठीक है किस चीज में हेल्प कर, कर रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में हेल्प कर रहा है बेसिस क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम सिमिलरिटीज और ये है यल इन नेचर एनालिटिकल है मतलब ये हेल्प कर रहा है एनालिसिस में ठीक है अब यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं ठीक है जो एक दूसरे के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं जैसे काला है गोरा इस तरह करके कैरेक्टर्स लेते हैं तो इसको जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम कप्लेट कहते हैं और जो लीड होती है जो मेन मतलब जो एक्सेप्ट हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लीड वो स्टेटमेंट होती है तो यहां पर रिजल्ट क्या होता है एक को एक्सेप्ट करते हैं एक को रिजेक्ट करते हैं फिर जिसको एक्सेप्ट करेंगे उसमें दो होंगे कैरेक्टर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे एक को एक्सेप्ट करेंगे एक को रिजेक्ट करेंगे फिर उसमें दो होंगे फिर अल्टीमेटली हम हमें रिजल्ट मिल जाएगा हमारा अब देखो हमारे पास चार तरह की बुक्स होती हैं मैनुअल फ्लोरा कैटलॉग और मोनोग्राफ ये हेल्प करती है हमारे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ठीक है तो देखो मैनुअल जो होता है ये हेल्प कर ये बताते हैं किसी भी एरिया में रहने वाले प्लांट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया डिटेल डिस्क्रिप्शन ठीक है फ्लोरा फ्लोरा बताता है डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट ऑफ प्लांट इन एन एरिया दोनों एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो गए फिर कैटेलॉग अल्फावेटिकल अरेन्जमेंट ऑफ अ प्लांट ये भी एरिया रेस्ट्रिक्टेड होगा ठीक है मोनोग्राफ में एक मोनो मतलब वन एक टेक्सॉन की बात कर रहे हैं हम एक किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा एक टेक्सॉन का वो जीनस होगा फैमिली होगा पर पर्टिकुलर टाइम पर एक ठीक है तो देखो मैनुअल में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन ठीक है मैनुअल में डिटेल डिस्क्रिप्शन था तो इससे हमें पता चल गया नेम ऑफ स्पीशीज क्या है ये सब पता चल गया फिर फ्लोरा से हमें पता चल गया कि हैबिटार एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट क्या है फिर कैटेलॉग से हमें अल्फाबेटिकली अरेंज हो गए सारे फिर मोनोग्राफ से हमें किसी एक टैक्सोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई सो so, यहाँ पर हमारा द लिविंग वर्ड चैप्टर पूरा अच्छे से कम्प्लीट हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट द नोटिफिकेशन थैंक यू बाय बाय